हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो भाई, जिसने पहला पार्ट नहीं देखा इसका, तो वो मैंने यस्टरडे डाला था और आई बटन में लिंक आ रहा होगा, तो उसे पहले देखो, फिर उसके बाद इसे देखना। नहीं, इसे देख लो, उसके बाद वो देख लेना, बात एक ही है। बस यू नो, उसमें स्टार्टिंग में हमने शुरू करा हुआ, वो लंबा ज़्यादा हो गया था व्लॉग, इसलिए मुझे दो पार्ट में डालना पड़ा ये। तो चलो, ज्यादा बातें नहीं करते, जल्दी से जल्दी इस व्लॉग को एंजॉय करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल छोटे छोटे से थे जब, तो हाँ बस बिल्कुल ही छोटे। क्या कहते मम्मी? मौसी कहती आँख कहाँ पे है इसकी, आईज कहाँ पे है मम्मी? मैंने सोचा बैग खाली पड़े हो। भाई ये भाई ये वाली क्लिप्स जो ना आगे नहीं डाल रहा, ये मानू के चैनल पे जाके देखो, इसने तंग कर दिया मेरे को। देख लो भाई, इसको तो दिख रहा है मौसी, इसको तो सब दिख रहा है, इसको तो सब दिख रहा है। आप आगे इसके कान कौन सब कुछ वाला बटक रहे थे। ओए कैसे बेटे, इसकी आंख की कहां है? एक सेकंड, नहीं उसके पास नहीं सब है, आंख है अंगूरा रैबिट्स जी। ये बताइए, ये वो वाले रैबिट्स हैं जो जिनकी फर से वूल बनती है। मम्मी उठाओगे? हां, इनको बस ये भी फैला की तरह पंजे मारते हैं। अच्छा, हाँ दांत भी लाए, देख देख सुंदर है ना। मैं ये व्हाइट कलर में भी है ना, व्हाइट में भी है। चलो मैं आपको एक ना बढ़िया रेयर चीज दिखाता हूँ। मैम का जो बेटा है अमोल, उसने कुछ नई चीज, नई चीज तो क्या मतलब रेयर चीज, नहीं नहीं मम्मी रेयर करूँगा मैं, क्योंकि मतलब छोटा सा एक टाइनी प्लांट उगाने की कोशिश कर रहा है। ये देखो, बताओ भाई अमोन क्या चीज है ये? टाइनी प्लांट का दिखाओ, इसको थोड़ा जूम करके दिखाओ। इसके अंदर प्लांट है, मिट्टी है, पानी है, प्लांट है। ये रहा ग्रीन कलर का, प्लांट उगा रखा है इसके। हाँ बहुत टाइनी है, तो इसके अंदर ही उग जाएगा ये। निकल रहा है, ये दिख तो रहा है ग्रीन कलर, कोशिश हो रही है। कल से बालकनी में तभी जा रहा था तू, देख लो। ये चीज इसने मेरे को दिखा नहीं लिया, आप लोग बिजी थे तब मैंने पूछा था बेटा, कुछ स्ट्रेस में लग रहा है मेरे को, तो बोले आंटी मैंने कुछ एक प्लांट उगा रहा था पर वो उग नहीं रहा, मम्मी को दिखा। हाँ भाई हड़का ग्रीन तो लग रहा है, अभी बड़ा नहीं, अभी जितना बच्चे में माइंड था उसके हिसाब से पढ़ा
वो अच्छा कर रहा है। देखो ये जो बेटा ये तो लग रहा है, ये देखो कांगनी वगैरह होते है ना ये डाल रखी है पूरे इसमें, ये पर्स वाला जो ना इसको, इसको ये तो पता था सीड्स है, ये नहीं पता था किसी, ये पर्स का जो खाना है उसका जो सीड है वो होगा है। मम्मी बहुत बढ़िया जाएगा कि क्योंकि मेरा वाला बचपन ही है ना, बिल्कुल बिल्कुल ये छोटा रचित है। बस फिर तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना लो मैम, बढ़िया जा रहा है। स्नो ये मैम का चाव चाव है, फीमेल है ये चाव चाव है फीमेल, स्नो नाम है इसका। मम्मी पहली बार देखा है मम्मी आपने? मैंने देखा ये ब्रीड देखी पहली बार, वही मैं कह रहा हूँ कि आपने पहली बार, इसकी जीप ना पर्पल होती है, हाँ ये इनकी खास बात होती है। स्नो अच्छा अपनी मस्ती से आ रही, आप बुलाओगे फिर अपनी हल्ला देखे मम्मी, सो कैसे रही है ये, हेलो बाहर में ही जा रहे हम, अभी नहीं जा रहे बाहर, इसकी पर्पल जीव है मुझसे। हाँ मैम इसकी एक बार दिखा सकते हैं जीव मेरे को, अपनी टांग दिखाओ, देखो मैं देखिए ये इनकी खास बात होती है, और ये चाइना की ब्रीड है और बहुत पुरानी ब्रीड है। अच्छा नहीं मैं ये कह रहा हूँ जो ओरिजिन है ना इनका, और जो इनका ओरिजिन है मतलब जहाँ से बने हैं पहले, तो ये चाइना के है ये, और बहुत पुराने बहुत पुराने, ये इनकी इतनी हाइट होती है, हाँ मतलब वही शुगर वाली बात भाई, शुगर की कहानी कभी और बताएंगे। मौसी जी के पास जैसे जो आप चार जर्मन शेफर्ड देखते हो ना, ये मेरी मौसी जी के पास है, तो उसमें से शुगर है एक, तो उसकी कहानी मौसी फ्री बैठ अगले व्लॉग में बता देंगे बैठ के करें, ठीक है? उसको तो आप बोल ही नहीं पा रहे, हाँ कल ट्रैवलिंग में बता देंगे, कल ट्रैवल करेंगे ना अपन कहीं जाना, उसको नहीं बोल पा रहा हमारा, कोई भी नहीं बोल पा रहा। तो आज फिर आपके ब्लॉग के लिए एक एक्सक्लूसिव नया ब्लॉग, नया बच्चा लेके आते हैं, न्यू फैमिली मेंबर ऐड हुआ हमारे साथ, चलो देखते हैं आपको भाई। आए हम यूँ थे कि मम्मी मैम ने कहा था मम्मी आए तो जरूर मिलाना, तो मेरे को याद था कि चलो मम्मी भी हैं इस बार और हेला भी है, तो जरूर मिलाए आते हैं, बट आज फिर से हर बार ही होता है कि मैम हर बार कुछ ना कुछ नया दिखाती है, जैसे रैबिट भी नए देखे हैं ना मम्मी, मम्मी ने तो ये वाली ब्रीड भी अभी देखी है, पापा को तो बहुत पसंद भाई, सेम यही तरह है ना, पापा कह रहे थे कि ले लो भाई तुम ले लो ना, प्यारे बहुत होते हैं, बहुत बार पूछते हैं कौन सी ब्रीड लें कौन सी ब्रीड लें, तो मैं सबसे टॉप पे जो सजेस्ट करती हूँ गोल्डन रिट्रीवर, गोल्डन रिट्रीवर ये वैसे तो शिट्ज़ू भी बहुत अच्छे हैं, बट शिट्ज़ू जो है ना मेंटेनेंस बहुत मांगते हैं, हाँ जी गोल्डन रिट्रीवर में इतना ज्यादा मेंटेनेंस का सीन नहीं रहता, ब्रीड फ्रेंडली है, और ये नहीं है कि गार्ड नहीं करते, मेरे रूपांतर बहुत अच्छा गार्ड करते हैं, बहुत अच्छा। चलो ये मिथ भी हट गया कि मतलब कि मेरी रूपांतर बहुत अच्छा गार्ड है, आप उसके सामने मुझे कुछ कह नहीं सकते, वही पहले जैसे मिथ था ना कि रोटवाइलर एग्रेसिव होते हैं वो हमने हटाया,
ऐसे ही मैम ने ये बता दिया कि गोल्डन रिट्रीवर को यूं मानते हैं कि ये गार्ड नहीं कर सकते बट करते हैं मैम के पास। और कोई नहीं, आप किसी दिन वीडियो बना के मेरे को भेज देना, मैं वो डाल दूंगा जरूर। प्यारे बच्चे है ना मम्मी, बिल्कुल वैसे वो लगते बच्चे। हाँ मैम मम्मी को ना वो इगवाना जरूर ना मम्मी बिठाओ प्लीज ना 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 मम्मी कुछ नहीं करेगी कोई नहीं ना वो तो देखना जरूरी है। पापा ने मुझे स्पेशल कहा था। मानू भी ब्लॉग बनाने गई हुई है, डॉग वॉक पे लेके गए हुए हैं मैम के, क्या नाम है मैम उसका, रिबेका, जो लैबरा है ना मैम की, उसको वॉक पे लेके गए हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता उसका चैनल है तो आई बटन में लिंक आ रहा है, उसके चैनल पे ब्लॉग जरूर देखना। बैठ जा, वो उसने ऐसे किया पीछे। बस एक बार लीडर होता है ना, पिछली बार मैं लीडर होता था, पिछली बार जब मैं आई थी मैं डर रही थी, लेकिन अब मैंने आपने इसको ही छेड़ा सबसे पहले, मिल गया इसलिए हमने बात कर ली। मुझे तो बोले कि बस इसको बाहर बाहर निकल देते, मैं बाहर निकली तो मिलेगी नहीं। मम्मी देखो ये टेंट था हमारा, हम डीकैथलॉन में आए हैं, कुछ थोड़ी शॉपिंग करनी थी मेरी, तो ट्रैक सूट वगैरह लेने हैं तो वो लेके जाएंगे अभी, तो कर लेते शॉपिंग। मौसी वो वाला टेंट था उसमें रहे थे हम, ये वाला। अच्छा चलो भाई, कुछ सामान तो मिल ही गया, बहुत बढ़िया शॉपिंग हुई है। चलो नीचे, तुम उधर से तू गाड़ी ले, हम इधर से आ गावा। चलो एक अच्छी बात होगी कि शॉपिंग भी होगी ठीक ठाक, बट मुझे लग रहा है कल भी आना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये बंद होने वाला था, बंद हो गया डीकैथलॉन, और हेला को भी अंदर जाने दिया इन्होंने, सब सही चल रहा है। इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। अगर आपको मेरे को सपोर्ट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर कर दिया करो यार वीडियो, और लाइक कर दो वीडियो को अगर ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग देखना चाहते हो, ठीक है तो कर दिया करो। चलो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, ओके बाय बाय।